अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं जुलेखा अरफात, जुलेखाज किचन डॉट कॉम से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें ऑल नोटिफिकेशंस पर। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा फालूदा जिसका नाम है चॉकलेट फालूदा। मेरा फेवरेट है, मेरे बच्चे का फेवरेट है और मेरे हस्बैंड का भी फेवरेट है। हम तो बड़े शौक से ये खाते हैं। इनफैक्ट मैंने ये कुछ टाइम पहले है ना कहीं बाहर ट्राई किया था और मुझे बेहद पसंद आया था, तो मैंने सोचा मेरे चैनल पर भी क्यों ना डाल दूं मैं, शायद आप लोगों को भी पसंद आ जाए। ये मैंने मेरे स्टाइल से बनाया है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। वैसे मैंने कुछ फालूदे की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड की है, आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहां चेक कर लीजिएगा। एक सॉस पैन के अंदर 2 कप दूध डालिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और इसमें एक उबाल आ जाने दीजिए। ये साइड पर मैंने 50 ग्राम डार्क चॉकलेट को छुरी की मदद से बारीक रफली चॉप कर लिया है। ये देखिए एक उबाल आ गया, मैंने चूल्हे को कर दिया बंद और ये जो डार्क चॉकलेट है 50 ग्राम मैं ये डाल देती हूँ और कंटिन्यूस चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ। तो क्या है, गर्म दूध में तो ये तो 1 मिनट में पिघल जाएगी। फर्ज करो अगर नहीं पिघलती है तो चूल्हा स्लो आंच पर चालू कर दीजिए और तब तक पकाइए जब तक ये पूरी तरीके से पिघल नहीं जाती। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी चूल्हा चालू करने की। अच्छा, यहाँ मैंने 50 ग्राम लिए, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, चख लीजिएगा। मैंने शक्कर नहीं डाली है, आप चाहें तो थोड़ी सी 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून जितनी शक्कर भी डाल सकते हैं। मैंने डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो नॉर्मल जो हमारी चॉकलेट आती है ना मिल्क चॉकलेट, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से घुल चुका है, तो इसे रूम टेम्परेचर पे आ जाने दीजिए। जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इसे फ्रिज में 2-4 घंटे के लिए ठंडा होने रख दीजिए। जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतना आपको मज़ा आएगा फालूदा खाने में। जब 2-3 घंटे हो जाए और सर्विंग का टाइम आ जाए तो यहाँ एक बाउल के अंदर 1 टेबल स्पून जितना सब्जियों के बीज एक बाउल में डालें, आधा कप पानी डालकर मिक्स कर इसे साइड पर 10-12 मिनट के लिए रहने दें। कुछ देर में तो ये फूल जाएंगे, 10-12 मिनट में तो। तकरीबन 12 से 13 मिनट हो चुकी है, आप देख सकते हैं सब्जी के बीन्स कितने अच्छे फूल चुके हैं, पेट के ठंडक के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, ज़रूर डालिएगा। ये है बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ते, वो है मोटा मोटा मैंने चॉप करके रखा है चॉकलेट, डार्क चॉकलेट। ये है चॉकलेट सीरप, ये है वैनिला आइसक्रीम, आप चाहें तो चॉकलेट आइसक्रीम भी ले सकते हैं बट मैं वैनिला प्रेफर करती हूँ। और वो है जो अभी हमने चॉकलेट का मिल्क बनाया था, ये मैंने 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, अब 3-4 घंटे के बाद मैंने बाहर निकाला है। और ये है फालूदा की सेव कहिए या फालूदा के होले कहते हैं, मैंने घर में बनाया, कल बना के मैंने प्रिपेयर करके रख दिया था, हार्डली 5-7 मिनट में तो बन जाते हैं और आज मैं इसे इसमें डालने वाली हूँ। आप चाहें तो बाजार की भी ले सकते हैं या मेरी तरह घर में बनाएं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं बनाकर अपलोड ज़रूर करूँगी आप लोगों के लिए। सबसे पहले ग्लास के चारों ओर अंदर की साइड पर ये जो चॉकलेट सिरप है ये इस तरीके से ड्रिजल कीजिए ग्लास की वॉल के ऊपर। मैंने टॉल ग्लास लिया है, आप छोटे ग्लासेस भी ले सकते हैं। ये जब आप लगा दें इस तरीके से, देख सकते हैं आप, इसमें डाल दीजिए होले कहिए या फिर फालूदा के सेव कह सकते हैं, 1 से 2 टेबल स्पून जितना। अब डाल दीजिए सब्जी के बीज 1 से 1.5 टेबल स्पून जितने। अब ये जो सिरप हमने लिया है उसे 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून जितना इसके अंदर ड्रिजल कर दीजिए, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, मैं सिर्फ 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। थोड़े से बादाम पिस्ते नीचे डाल दीजिए सूखा मावा, उसके बाद ये जो हमने चॉकलेट का मिल्क जो दूध बना के रखा है ये डाल दीजिए। अब इस समय आपने देखा कि मैंने चॉकलेट सिरप 1 डाला है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ शक्कर नहीं डाली है ये वाले दूध में, और जो चॉकलेट भी डाला है वो भी कम डाला है, आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार मिठास के लिए कर सकते हैं। 1 स्कूप वैनिला आइसक्रीम डाल दीजिए, इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट सिरप ड्रिजल कर दीजिए इस तरीके से। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़े से होले जिसे ये कहते हैं सेब, फालूदा सेब, वो डाल दीजिए थोड़े, उसके साथ साथ थोड़े से तुकमुरी जिसे हम सब्जी के बीज कहते हैं वो डाल दीजिए, थोड़े से उसके ऊपर बादाम और पिस्ते डाल दीजिए, फिर से थोड़ा सा मैं चॉकलेट सिरप ड्रिजल करके इसे थोड़ा सा और डेकोरेट कर देती हूँ। आप पिए और मिठास कम लगे तो चॉकलेट सिरप थोड़ा सा ड्रिजल कर दीजिएगा।
इसी तरीके से दूसरा ग्लास भी बना लीजिए और ठंडा ठंडा सर्व कीजिए हमारा मजेदार सा बढ़िया सा चॉकलेट फालूदा। मैंने रमज़ान के लिए कुछ डेजर्ट की रेसिपीज़ बनाई है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो ये थी आज की रेसिपी। अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।